ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने की दौड़ च भारतीय मूल के ऋषि सुनक सब तो अगे चल रहे ने। एलिमिनेशन राउंड की वोटिंग च ऋषि सुनक नू 88 वोटा मिली है, यानी करीब 25% वोट उन्होंने हासिल किया है। 88 वोटा हासिल कर एलिमिनेशन राउंड च ऋषि सुनक टॉप ते रहे। इस रेस च कामयाब होने ते ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, पर उन्होंने सामने वड्डी चुनौती ब्रिटिश सांसदों का समर्थन हासिल करन दी है। पुर्तगाल के जंगलों च लगी भयानक अग हुण रिहायशी इलाकों के नेड़े पहुंच गई है, जिस कारण स्थानक लोगों के विच काफी डर का माहौल बनिया हुआ है। लोग अपने घर के आस पास पानी का छिड़काव कर रहे हैं ताकि अग को नेड़े आने से रोका जा सके। उधर पुर्तगाल प्रशासन वालों लगातार अग पर काबू पाने की कोशिशें हो रही हैं, पर अग इतनी भयानक है कि इस पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। पूरे आसमान च सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आता है। अग कारण जंगलों का भी काफी नुकसान हुआ है। हैलीकॉप्टर की मदद नाल जंगलों से पानी का छिड़काव किया जा रहा है, पर अग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पै रही है। यूक्रेन ने नॉर्थ कोरिया नाल दुवल्ले संबंध तोड़ दिते ने। दरअसल नॉर्थ कोरिया ने यूक्रेन के शहर डोनबास नूं वक्रे देश का दर्जा देने का ऐलान किया है, जिस तों नाराज होकर यूक्रेन ने नॉर्थ कोरिया नाल दुवल्ले संबंध तोड़न का फैसला लिया। रूस ते यूक्रेन विचाले जंग लगातार चल रही है। रूस यूक्रेन के कई हिस्सों ते कब्जा कर चुका है। डोनबास शहर भी उन्होंने इलाकों विचों एक है जिस ते रूस ने कब्जा किया हुआ है। जंग विचाले नॉर्थ कोरिया ने यूक्रेन के शहर डोनबास नूं वक्रे देश का दर्जा देने का ऐलान कर दिता है, जिस तों नाराज होकर यूक्रेन ने हुण नॉर्थ कोरिया नाल दुवल्ले संबंध तोड़ दिते ने। दस दिए कि रूस ने पहला ही डोनबास नूं वक्रे देश वजों मानता दे रखी है। इस तों इलावा सीरिया ने भी डोनबास नूं वक्रे देश का दर्जा दिता होया है, अते हुण उत्तर कोरिया ने भी डोनबास नूं वक्रे देश का दर्जा देने का ऐलान किया है। कैनेडा च महात्मा गांधी के बुत नाल छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बुत से इतराजयोग शब्द लिखे गए ने, जिस पर भारत सरकार वालों सख्त इतराज जताया गया। भारत सरकार ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जानकारी मुताबिक ओंटारियो च रिचमंड हिल सिटी च स्थापित किए गए महात्मा गांधी के बुत का निरादर किया गया। भारत सरकार ने इस मामले कैनेडा सरकार तक पहुंच की है, इस पूरे मामले से अपना सख्त इतराज जताया। नाल ही मांग की है कि दोषियों की जल्द भाल करके उन्होंने खिलाफ सख्त तो सख्त एक्शन लिया जाए।